हेलो गाइज व्हाट्सअप वेलकम बैक टू माई चैनल इफ़ यू आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम माई नेम ए श्वेता एंड आई मेक कंटेंट ऑन फैशन ब्यूटी लाइफ स्टाइल एंड मैनी मोर सो गाइज आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कुर्ता सेट्स विद दुपट्टा फ्रॉम मीशो अंडर रुपीज थाउजेंड एंड आई बेट आप लोगों को बिल्कुल भी बिलीव नहीं होगा कि थाउजेंड रुपीज़ के अंडर आपको इतने प्यारे कुर्ता सेट्स मिल रहे हैं वो भी पार्टी वेयर कुर्ता सेट्स वर्क वाले अच्छे वर्क वाले कि आप इज़िली उनको पार्टी में पहन के जा सकते हैं बहुत ही अच्छा फैब्रिक है बहुत ही अच्छे डिज़ाइन्स है तो जल्दी जल्दी से मैं आपको दिखाती हूँ और आपको क्या करना है आपको वीडियो को लाइक करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन बटन को भी दबा देना है सो लेट्स वज इन टू video. Okay, so, सबसे फर्स्ट कुर्ता सेट जो मैंने मंगाया है वो है ये बांधनी प्रिंट का ये ब्लू कलर का कुर्ता सेट एल साइज मैंने इसमें ऑर्डर किया है और फैब्रिक है इसका कॉटन बहुत ही प्यारा सा फैब्रिक है और वर्क आप इसके ऊपर देख सकते हो आगे ये पूरा ऐसे भरा हुआ थ्रेड वर्क है विथ सीक्वेन ये पूरा सिल्वर कलर का आ, कुछ थ्रेड वर्क है पास से दिखा देती हूँ और इसमें सीक्वेन वर्क है साथ में थ्री फोर्थ इसकी स्लीव्स है और स्लीव्स पे इस टाइप से ये ट्राइंगल शेप की लेस लगी हुई है कट वर्क वाली और नीचे से ओवरऑल ये प्लेन है इसका बस मुझे एक इशू ये लगा कि इसकी लेंथ थोड़ी सी कम है इसकी लेंथ सिर्फ नीच तक आ रही है लेंथ थोड़ी सी और लंबी होती तो ये कुर्ता बहुत ही परफेक्ट होता वैसे भी अच्छा है इसके साथ में मुझे मिले हैं बॉटम पैंट्स और पैंट्स भी कॉटन के हैं और दोनों साइड से ये इलास्टिक वाले पैंट्स है और एक साइड में इसमें पॉकेट भी दिया हुआ है काफी अच्छा खासा लंबा पॉकेट है इसका क्रोच एरिया काफी अच्छा है और पैंट का फैब्रिक और क्वालिटी बहुत अच्छी है गाइस, स्टिचिंग वगैरह बहुत अच्छे से की हुई है आप देखो अंदर से प्रॉपर इंटरलॉक किया हुआ है सब कुछ काफी प्यारी से अच्छे तरीके से स्टिच करके दिया हुआ है और साथ में इसमें है दुपट्टा दुपट्टा आप देखो ये भी बांधनी प्रिंट का दुपट्टा है और इसमें चारों तरफ इस टाइप की ये ट्रायंगल लेस लगी हुई है कटवर्क वाली जो स्लीव्स पे लगी हुई है और दुपट्टा भी प्योर कॉटन है गाइस आप ये फैब्रिक ऐसे देख रहे हो खड़ा खड़ा सा है ये कॉटन फैब्रिक है एक बार वॉश करने के बाद थोड़ा सटल हो जाएगा अभी ये वॉश नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा खड़ा है तो ये कॉटन फैब्रिक है तो गाइस मुझे तो काफी अच्छा लगा काफी प्यारा लगा और काफी अफोर्डेबल है गाइस प्राइस को आपको इसका स्क्रीन पे मैंशन हो चुका है और इसकी लुक भी आप ऑलरेडी देख चुके हो तो अगर आपको बाय करना है तो जल्दी से और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है सो so नेक्स्ट जो मैंने बाय किया है वो है ये आप पिक्चर में देख सकते हैं और जैसा पिक्चर में दिखा रखा है एग्जैक्टली exactly सेम मुझे ये रिसीव हुआ है बहुत ही प्यारा सा ये फैब्रिक है रिओन फैब्रिक है ये सर्मियों के गर्मियों के लिए रियॉन फैब्रिक काफी अच्छा होता है अगेन एल साइज मैंने ऑर्डर किया है सब में मैंने एल ही ऑर्डर किया है और ये गोसरे की फैशन हाउस की तरफ से है गोसरे की एंड एनी डिजाइनर और इस पे एम आर पी पच्चीस सौ निन्यानवे है एंड आई बिलीव ये पच्चीस सौ निन्यानवे का होगा और मीशो पे ये इतना सस्ता मिल रहा है अंडर रुपीज थाउजेंड ये मिल रहा है और नेक पे आप देखो इस पे ये गोटा पत्ती वाली ऐसे लेस लगी हुई है आगे से वी नेक है और पीछे ऐसे बैननाक दिया हुआ है पूरा प्लेन है और कहीं पे कोई वर्क नहीं है ब्लैक एंड वाइट प्रिंट है और पूरा लंबा लेंथ है इसलिए आप साइड में मुझे वेयर किया हुआ देख रहे हैं काफी अच्छी लंबी लेंथ है साइड में स्लिट्स हैं, काफी अच्छे स्लिट्स को स्टिच किया हुआ है कहीं से कोई फैब्रिक नहीं निकल रहा है कहीं से कोई इशू नहीं है बहुत प्यारा ये सूट है साथ में इसके मिल जाती है पैंट्स पैंट्स इसकी है इलास्टिक दोनों तरफ से इसमें इलास्टिक है साइड में इसके पॉकेट दिया हुआ है एक साइड पे और पैंट्स को अगर आप देखो तो प्लेन पैंट्स नहीं है ये ऐसे लाइनिंग वाली प्रिंटेड पैंट्स है इसमें लाइनिंग दिया हुआ है काफी अलग सा प्रिंट है अच्छा है और काफी अच्छी खुली डुली हिप साइज है इसकी क्रॉच एरिया काफी अच्छा है और साथ में इसके मिला है दुपट्टा शिफॉन का ये दुपट्टा है बहुत ही सॉफ्ट दुपट्टा है गाइस इतना सॉफ्ट है ना हाथ में लेते ही ऐसे मखमल जैसा फील हो रहा है बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है इसके दुपट्टे का आप ये देख सकते हो दुपट्टा भी अच्छी खासी लेंथ का है काफी लंबा दुपट्टा है और दुपट्टे पे भी इतना प्यारा सा प्रिंट है तो मुझे तो बहुत पसंद आया गाइज ये भी अगर आपको पसंद आ रहा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेना तो नेक्स्ट सूट जो मैंने बाय किया है ये आलिया कट वाला सूट और सेम मुझे ये रिसीव हुआ है वही कलर वही डिजाइन सब कुछ सेम रिसीव हुआ है एल साइज में ये मैंने मंगवाया है और इसका फैब्रिक जो है वो थोड़ा सा शिफॉन एंड सिल्क मिक्स है दोनों चीज इसमें मिक्स की हुई है और नीचे इसमें इनर भी लगाया हुआ है क्योंकि ये फैब्रिक जो थोड़ा है वो थोड़ा सी थ्रू है तो इसलिए नीचे इसमें इनर लगाया हुआ है Uh, और आप इसका वर्क देख सकते हो कितना प्यारा है ये गोल्डन और पिंक कलर का वर्क है और साइड में ऐसे छोटे छोटे से फ्लावर्स बने हुए हैं ये चेस्ट एरिया पे पूरा इस टाइप से भरा हुआ है और ये आलिया कट में है जो ऐसे आलिया कट डिजाइन uh, चल रहा है ये वो वाला डिजाइन है थ्री फोर्थ इसकी स्लीव है स्लीवस पे कोई लाइनिंग नहीं है आप देख सकते हो ये सी थ्रू है तो इसलिए इसमें पूरे सूट में लाइनिंग है और यहाँ पे ये छोटी छोटी -चो� सी गोल्डन लेस लगाई हुई है नीचे से ये इस टाइप से फ्रॉक कट में है इसमें साइड में स्लिट्स नहीं है और यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे प्लीट्स बनाई हुई है तो ये एक थोड़ा सा घेरा दे रहा है इसलिए और बाकी ओवरऑल ये नीचे से प्लेन है लुक आप इसकी साइड में देख ही सकते हो और जो इसकी पैंट्स है वो ओवरऑल इलास्टिक है और सेम फैब्रिक है और पैंट्स में भी आप देखो नीचे लाइनिंग दी हुई है क्योंकि ये सी थ्रू है तो लाइनिंग देना मस्ट है तो काफी अच्छा किया गया है और इसके बॉटम्स में मतलब इसका बॉटम जो है ना नीचे थोड़ा प्लाजो टाइप आता है और इसके बॉटम में भी पूरा नीचे ये कढ़ाई और ऐसे कटवर्क है तो ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी और इसके बॉटम में एक चीज और जो इसकी ये थाए वाला एरिया है ना ये थाए वाला एरिया आई थिंक मेरी थाए मोटी है तो आई डोंट नो ये क्रॉच एरिया वाली जहां

और पूरे दुपट्टे पे इस टाइप से फ्लावर बने हुए हैं छोटे छोटे बहुत क्यूट क्यूट से फ्लावर बने हुए हैं तो काफ़ी प्यारा सा सूट है ये दुपट्टे की लेंथ भी काफ़ी अच्छी खासी है गाइस काफी प्यारा दुपट्टा है और इस साइड से ये पूरा इंटरलॉक किया हुआ है सो दैट थ्रेड वगैरह कुछ ना निकले लुक आपने साइड में देख ही ली है तो बहुत प्यारा पार्टी पार्टीवेयर सूट है गाइस इतने कम प्राइस में अंडर रुपेज थाउजेंड तो इसको मैं तो आपको डेफिनेटली बोलूंगी कि आप जाके इसको बाय कर लेना ये छोड़ने वाला सूट बिल्कुल भी नहीं so, है नेक्स्ट कुर्ता जो मैंने बाय किया है वो भी गोसरी गोसरी की फैशन हाउस की तरफ से ही बाय किया है और ये बहुत प्यारा से ब्लू कलर का कुर्ता सेट है इसका फैब्रिक आई डोंट नो कॉटन है बट कॉटन के साथ कुछ ब्लेंड किया हुआ है कि बहुत सॉफ्ट सा टेक्स्चर आ रहा है कॉटन का इतना सॉफ्ट टेक्स्चर नहीं आता जितना ये है तो कॉटन के साथ कोई ना कोई फैब्रिक इसमें मिक्स है जो मुझे नहीं समझ में आ रहा है और इसके आप नेक पे देखो तो ये वी नेक है और पूरा इस टाइप से ये गोल्डन थ्रेड का वर्क किया हुआ है पूरे स्लीव्स पे और ये एक पैच अलग से एक पैच बना के लगाया हुआ है जो ये पूरा इतना चौड़ा पार्ट है ना ये अलग से एक फैब्रिक पे कढ़ाई करके और इस शेप में कट करके इसको इस लगाया हुआ है थ्री फोर्थ इसकी स्लीव्स है प्लेन स्लीव्स है और प्रिंटेड सूट है ये आप देखो तो इसमें ब्लू कलर पे नियॉन पिंक कलर का प्रिंट है जो कि बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है और कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है स्लिट्स वगैरह आप देखो काफी अच्छे से स्टिच किए हुए हैं लेंथ पू पूरी लंबी चौड़ी इसकी लेंथ है एल साइज मैंने ऑर्डर किया है साइड में आप वेयर किया हुआ देख सकते हो और पैंट्स मिल रही है इसके साथ में दोनों तरफ लास्टिक वाली पैंट है पैंट का फैब्रिक कॉटन है और इसमें एक साइड में पॉकेट भी गिवन है आप ये देखो तो ये पॉकेट दी हुई है और बिल्कुल प्लेन पैंट्स हैं और नीचे कोई वर्क कुछ नहीं है काफ़ी कंफर्टेबल पैंट्स है पहनने के बाद कोई इशू नहीं है और शिफॉन इसका दुपट्टा है बहुत ही कंफर्टेबल जैसा गर्मियों में दुपट्टा चाहिए उसी अकॉर्डिंग इसका दुपट्टा है और पूरे दुपट्टे पे इस टाइप से ये सिरोस की पेस्ट हुई हुई है आप ये देख रहे हो एक में जो मैं ये दिखा रही हूँ ये सिरोस की है इस टाइप से ये पूरे दुपट्टे हुए पेस्ट की हुई है आपको इस टाइप पे पता चल रहा होगा तो बहुत ही सॉफ्ट सा फैब्रिक है काफ़ी कंफर्टेबल है गाइस समर्स के अकॉर्डिंग मुझे काफ़ी पसंद आया ये तो आपको पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली जाके बाय कर लेना सो गाइज नेक्स्ट जो सूट मैंने बाय किया है वो है ये मेजेंटा कलर का सूट और ये एक प्रॉपर पार्टीवेयर सूट है क्योंकि इस पर वर्क बहुत अच्छा है आप ये देखो इस पर Ooh. पूरा पर्ल का वर्क है पर्ल है गोल्डन मोती है ये पूरा सीक्वेंस वर्क है पूरा जैसा एक पार्टी वेयर सूट में वर्क होता है उस टाइप का वर्क है पूरा नेक इसका वी नेक है भरा हुआ वी नेक है और उसके बाद इसमें ये इतना बड़ा पैच जो है फ्रंट में बनाया हुआ है और ये भी पूरा मोतियों का काम है और ये हैंड वर्क है गाइस ये पूरा हैंड वर्क है जो किया हुआ है और साइड में साथ में इसमें पूरे सूट में इस टाइप से ये छोटे छोटे से पर्ल के फ्लावर भी बनाए हुए हैं जो आपको पूरे ही सूट में फ्रंट में मिल जाएंगे और स्लीव्स इसकी थ्री फोर्थ स्लीव्स है स्लीव्स में इसमें ऊपर इस टाइप की ये वाली लेस लगाई हुई है आ, सीक्वेन वाली लेस है ये लेस लगी हुई है इसमें और आप इसकी लुक साइड में वेयर किए हुए देख सकते हैं ये पूरा ही पार्टी वेयर सूट है लेंथ काफ़ी अच्छी है गाइस ये सारे मैंने एल साइज़ ऑर्डर किए हैं हल्के हल्के से लूज है एम एम ऑर्डर करती तो आई थिंक टाइट हो जाता तो एल को इनको ऑल्टर करवाने की नीड है तो आप भी अपने साइज के अकॉर्डिंग ही करना इसके साथ में पैंट्स मिलती है इलास्टिक वाली बट पॉकेट नहीं है और पैंट्स का और इसका फैब्रिक मैं आपको बताना भूल गई इसका थोड़ा सा सिल्क वाला फैब्रिक है जो सिल्क फैब्रिक होता है वो फैब्रिक है और इसके नीचे कोई लाइनिंग नहीं है पैंट का फैब्रिक भी सेम वही है जो आ, कुर्ती का फैब्रिक है ये सी थ्रू नहीं है तो इसलिए लाइनिंग की ज़रूरत इसमें नहीं है और इसका दुपट्टा ओ माय गॉड बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही हैवी दुपट्टा है ये वैसे तो इसको बोले तो ये बनारसी दुपट्टा कहेंगे बट ये बनारसी नहीं है क्योंकि आप इसमें देखो तो ये थोड़ा सा सी थ्रू है ये फैब्रिक बनारसी वाला नहीं है बट येस ये लुक बनारसी वाली दे रहा है आप देखो पूरा भरा हुआ दुपट्टा है और इसके कॉर्नर्स पे इस टाइप से टेसल्स लगे हुए हैं बहुत ही प्यारा है गाइज लुक बहुत ज़्यादा है और मैं इसको डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूंगी बाय करने के लिए ये एक मस्ट हैव पार्टीवेयर सूट है और इतना अच्छा वाइब्रेंट कलर है कि जो पार्टीवेयर में डाल के जाने लायक है तो बहुत प्यारा सा सूट है गाइज़ मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी इसको बाय करने के लिए सो गाइज नेक्स्ट सूट जो मैंने बाय किया है ये बहुत ही प्यारा सा डिजिटल प्रिंट वाला सूट इसका प्रिंट मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा ब्लू का टोन दे रहा है ये बहुत सारे शेड्स मिक्स है और इसका फैब्रिक जो है जॉर्जेट और बहुत सॉफ्ट वाला फैब्रिक है ऐसा खड़ा खड़ा वाला जॉर्जेट नहीं है और इसमें नीचे ये कॉटन की लाइनिंग लगी हुई है नेक पे इस टाइप से ये वी नेक है और ये एक बहुत ही सुंदर सी ट्रांसपेरेंट लेस लगी हुई है कटवर्क वाली दोनों तरफ से इस टाइप से कटवर्क है और काफी प्यारा सा डिजाइन दे रहा है ये लेस भी बहुत प्यारी लग रही है मैचिंग कर रही है थ्री फोर्थ इसकी स्लीव्स है ओवरऑल स्लीव्स ओवरऑल सूट पूरा प्लेन है लेंथ भी बहुत अच्छी है साइड में वेयर किया हुआ आप देख रहे हो और साथ में इसके ये पैंट्स मिल रही है पैंट्स दोनों तरफ से इलास्ट है और पैंट्स का फैब्रिक कुछ रेन प्लस सिल्क कुछ मिक्स मिक्सा फैब्रिक है इसका और थोड़ा सा ऐसे क्रश्ड फैब्रिक है ये रेउन का पैंट्स uh, का और काफी अच्छी लेंथ वाली पैंट्स है और काफी कंफर्टेबल है और साथ में मिल रहा है इसके दुपट्टा दुपट्टा पूरा ऑरगेजा का है और ये थोड़ा सा हार्ड वाला है और ये पूरा कट वर्क वाला है और इसमें साथ में इस टाइप से ये सारा कढ़ाई जो भी हुई हुई है सारी गोल्डन और रेड कलर से और पूरे दुपट्टे पे इस टाइप से फ्लावर्स भी बने हुए हैं ये पैच वर्क बना हुआ है तो काफी काफी प्यारा सा है गाइज और ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया है सॉफ्ट सटल और बहुत ही ज्यादा क्यूट सा डिजाइन है प्रिंट है तो आपको पसंद आ रहा है तो आप जाके इसको बाय कर सकते हैं सो नेक्स्ट सूट गाइज जो मैंने बाय किया है ये पर्पल कलर का सूट और ये आप देखो तो बहुत ही प्यारा सा वाइब्रेंट सा कलर है और इसमें आप कढ़ाई देख सकते हो ये पूरा गोल्डन थ्रेडवर्क से पूरा आगे ये पूरा भरा हुआ है कॉटन इसका फैब्रिक है और साथ में इस टाइप से छोटे छोटे से बूटे बनाए हुए हैं इसमें जो पूरे फ्रंट में दिए हुए हैं थ्री फोर्थ इसकी स्लीव्स दी हुई है और स्लीव्स पे भी इस टाइप से थ्रेड वर्क किया हुआ है ये और बीच में छोटे छोटे से सीक्वेंस लगाए हुए हैं जो मुझे ये काफी प्यारा लगा डिफरेंट सा डिजाइन लगा ये और बाकी ओवरऑल ये फ्रंट से पूरा प्लेन सिर्फ बूटे हैं और नीचे इसमें कुछ नहीं है और बैक से पूरा प्लेन है और काफी अच्छा है राउंड इसका डिजाइन राउंड इसका नेक है गाय और इसके साथ में इसकी पैंट्स मिल जाती है जो आगे से बेल्ट वाली है और पीछे से इलास्टिक वाली है और पूरी ऐसे स्ट्रेट पैंट्स हैं ये काफी कंफर्टेबल है और कॉटन फैब्रिक है पैंट्स पैंट्स का का भी पैंट्स भी सेम जो आ, सूट फैब्रिक है वही पैंट्स का फैब्रिक है और इसके साथ में और इसके साथ में इसका दुपट्टा है ये आ, काफी प्यारा सा ये थोड़ा सा हैवी शेफॉन इसको बोल सकते हैं है शेफोन का ही बट एक बिल्कुल पतला होता है ये थोड़ा सा आ, सिल्क, शिफॉन बोल सकते हैं आप इसको देखो तो ये सिल्क वाला शाइनिंग दे रहा है यहाँ पे अगर मैं आपको ऐसे समझ में आ रहा हो तो दिख रहा हो तो सिल्क वाली शाइनिंग है इसमें जैसे मैं पास से देख रही हूँ तो पता चल रहा है बट प्योर सिल्क नहीं है ये और इसमें ऐसे चारों तरफ ही ट्रायंगल वाली लेस लगाई हुई है तो काफी प्यारा है गाइस पहनने के बाद लुक बहुत अच्छी आ रही है आप साइड में देख ही सकते हैं काफी कंफर्टेबल है बहुत ही कंफर्टेबली मैंने इसको वेयर किया है और काफी अच्छा फैब्रिक भी है गाइस सो तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई थिंक इसमें एक या दो कलर और अवेलेबल है सो so गाइज ये है मेरा आज का लास्ट सूट जो मैंने बाय किया है और ये वाला है ये सूट ये थोड़ा सा Uh, uh, गाजरी कलर जिसको बोलते हैं वो वाला कलर है ये और इसमें आप वर्क देख सकते हो आगे ये फेस पे आ रहा है तो बहुत वो एक्सपोजर बढ़ रहा है और इसका फैब uh, वर्क देख सकते हो वही पूरा गोल्डन वर्क है और साथ में इसमें सीक्वेंस है ये जो सारा है ये सारा सीक्वेंस है गोल्डन कलर का और फ्रंट में इस टाइप से इसमें सेम कलर के ये बटन्स भी लगा रखे हैं तीन बटन्स तो आप देखो तो पूरा पैच टाइप कुछ बनाया हुआ है ये काफ़ी प्यारा है और ये फैब्रिक थोड़ा सा ना कुछ सिल्क कुछ टाइप का मुझे फैब्रिक लग रहा है डिस्क्रिप्शन में इसका रेन स्लब लिखा हुआ है जो मुझे पता नहीं कौन सा रेन मुझे पता है बट रेन स्लब मुझे नहीं पता है तो बट मुझे ये थोड़ा सिल्क वाला टेक्सचर दे रहा है और ये ना बिल्कुल प्लेन फैब्रिक नहीं है अगर आपको दिख रहा हो तो इसमें इस टाइप से लाइनिंग बनी हुई है तो इसमें टेक्स्चर है थोड़ा सा और बाकी ओवरऑल सूट में इस टाइप से छोटे छोटे से ये फ्लावर बने हुए हैं जो फ्रंट में पूरे सूट में बने हुए हैं थ्री फोर्थ इसकी स्लीव्स है प्लेन स्लीव्स है स्लीव्स पे कोई काम नहीं है नेक का डिजाइन आप देख सकते हो राउंड नेक है और उसके बाद ऐसे फ्रंट में वी बना हुआ है छोटा सा और बाकी ये फुल लेंथ सूट है इसकी पैंट्स मिल जाती है साथ में जो सेम फैब्रिक की है आगे से बेल्ट और पीछे से इलास्टिक है और बाकी आ, सूट का पैंट्स कंफर्टेबल है और इसके बॉटम में इस टाइप से जो पूरे सूट में फ्रंट में छोटे छोटे फ्लावर्स हैं वो नीचे ऐसे बॉटम में पूरे में बनाए हुए हैं पूरे में नहीं बट नीचे में एक ऐसे इसको बोलते हैं ना पोंचा टाइप बनाया हुआ है ये काफ़ी डिज़ाइन डिज़ाइन क्रिएट किया हुआ है और इसका दुपट्टा जो है वो है प्योर कॉटन कॉटन का दुपट्टा है और काफी हैवी दुपट्टा है गाइस ये पूरा इसमें थ्रेड वर्क किया हुआ है और ऐसे पूरे में सीक्वेंस लगे हुए हैं काफी प्यारे और साइड में गोल्डन लेस भी है कट वर्क ट्राइंगल वाली और ये साइड में इस टाइप से टेसल्स लगाए हुए हैं तो काफ़ी प्यारी दुपट्टा है गाइस काफ़ी अच्छा भरा हुआ दुपट्टा है इसे और ये सारा और ये पूरा सूट इतना हैवी लुक दे रहा है ना आप साइड में वेयर किया हुआ देख सकते हैं इतना हैवी लुक मतलब मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि अंडर रुपीज थाउजेंड में मुझे इतना हैवी लुक वाला सूट मिल रहा है गाइस तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप डेफिनेटली जाके इसको बाय कर लेना सो यह गाइज ये थे सारे सूट जो मैंने मीशो से बाय किए थे जो भी आपको पसंद आ रहा है जाके फटाफट से बाय कर लेना इनमें कुछ सूट्स में कलर्स भी अवेलेबल है तो आपको कलर्स के चॉइसेस भी मिल जाएंगे और सारे सूट्स ही पार्टी वेयर है अंडर थाउजेंड है और समर फ्रेंडली है तो इससे पहले स्टॉक आउट हो जाए आप जाके बाय कर लेना और इस वीडियो को शेयर कर देना सो so दैट जिसको नीड है उस तक ये पहुंच जाए और या गाइज आप मुझे नीचे अपने रिकमेंडेशन भी बता सकते हैं आपको किस टॉपिक पर वीडियो देखना है तो मैं आपके उस टॉपिक को भी जरूर देखूंगी और उस उसपे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय टेक केयर